भारत में आज बैंकिंग व्यवस्था काफी जानी मानी व्यवस्था है और इसमें कई तरह के पोस्ट पर हर साल भर्ती निकलती है। इनमें से एक पोस्ट बैंक पीओ का भी होता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बैंक पीओ कौन होता है और बैंक पीओ कैसे बने। लेकिन उससे पहले अगर आपने अपने चैनल करियर देखो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बैंक पीओ कौन होता है? बैंक पीओ का मतलब प्रोबेटनरी ऑफिसर होता है, जिसको हिंदी में परिवीक्षाधीन अधिकारी कहा जाता है। हकीकत में बैंक में प्रोबेटनरी ऑफिसर के रूप में कोई पोस्ट नहीं होता है। आप जब बैंक ज्वाइन करेंगे तो आपका पोस्ट नेम असिस्टेंट मैनेजर होगा, क्योंकि कैंडिडेट की पोस्टिंग होने से पहले वह 2 साल के लिए ट्रेनिंग पीरियड में होता है, इसलिए प्रोबेटनरी ऑफिसर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोबेटनरी ऑफिसर का काम लेन देन, पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड और ग्राहक के खाते की जानकारी बैंक पीओ अपने पास रखते हैं। बैंक पीओ कैसे बने? सबसे पहले आपको ये तय करना होगा कि आप सरकारी बैंक में एक प्रोबेटनरी ऑफिसर बनना चाहते हैं या प्राइवेट बैंक में, क्योंकि दोनों का लेवल काफ़ी अलग है। गवर्नमेंट बैंक में, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूट में जॉब पाने के लिए आपको परीक्षा से गुजरना पड़ता है, सरकारी बैंक में पीओ बनने के लिए आपको परीक्षा से गुजरना होगा। सरकारी बैंक में प्रोबेटनरी ऑफिसर बनने के लिए आपको 2 सबसे फेमस एग्ज़ाम SBI पीओ और IBPS पीओ देने होंगे। प्राइवेट बैंक में पीओ बनने के लिए आपको परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, पर यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा आसान हो जाता है पब्लिक सेक्टर बैंक पीओ की तुलना में। प्राइवेट बैंक प्रोबेटनरी ऑफिसर के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट करने के लिए अपने अलग अलग एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती हैं। इन एग्ज़ाम की इंफॉर्मेशन आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। एक बैंक पीओ बनने के लिए आपको ये स्टेप फॉलो करने होंगे। जैसे स्टेप 1, सबसे पहले आपको अपनी 12वीं क्लास पूरी करनी होगी। आप किसी भी साइट से साइंस, कॉमर्स, आर्ट से 12वीं क्लास कर सकते हैं। स्टेप 2, प्रोबेटनरी ऑफिसर बनने के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। स्टेप 3, बैंक पीओ एग्ज़ाम। प्रोबेटनरी ऑफिसर बनने के लिए आपको बैंक पीओ का एग्ज़ाम देना होगा और उसे पास करना होगा। बैंक पीओ एग्ज़ाम में 3 स्टेप होते हैं, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम और पर्सनल इंटरव्यू। बैंक पीओ बनने के लिए कैंडिडेट को अच्छे मार्क्स के साथ 3 राउंड पास करने होंगे। नंबर 1, प्रीलिम्स एग्ज़ाम, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पहला स्टेप है। नंबर 2, मेन एग्ज़ाम। मेन एग्ज़ाम में प्राप्त मार्क्स ये तय करेंगे कि आप अगले राउंड में जाएंगे या नहीं। नंबर 3, पर्सनल इंटरव्यू। नंबर 4, बैंक पीओ ट्रेनिंग। एग्ज़ाम में पास होने के बाद आपको 1 से 2 साल के लिए बैंक पीओ के पोस्ट पर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। जब आप ट्रेनिंग को पूरा कर लेते हैं तो आपकी पोस्टिंग एक असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर की जाती है, जिसे स्केल 1 ऑफिसर भी कहते हैं। बैंक पीओ प्रमोशंस, 2 साल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद कैंडिडेट को असिस्टेंट मैनेजर के रूप में प्रमोट किया जाता है। आप बड़े ही आसानी से मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर के लेवल तक पहुंच सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन रिक्वायरमेंट,
अगर आपने केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की है तो आप बैंक पीओ एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक में पीओ बनने के लिए आपको केवल ग्रेजुएशन पास किया होना चाहिए, परसेंटेज मायने नहीं रखते। वहीं अगर आप किसी प्राइवेट बैंक में पीओ बनना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। बैंक पीओ एज लिमिट। बैंक पीओ बनने के लिए स्टूडेंट की एज लिमिट मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है। हालांकि आरक्षित वर्ग के लोगों को इसमें छूट दी जाती है। नेशनैलिटी। उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना जरूरी है। बैंक पीओ की सैलरी। बैंक पीओ की जॉब में सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है, जिसकी वजह से बहुत से छात्र इस जॉब को पाने की इच्छा रखते हैं। बैंक पीओ की बेसिक सैलरी 23,700 रुपये पर मंथ है। इसके साथ में आपको महंगाई भत्ता, HRA और CCA भी मिलता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।